और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ मुकेश महेंद्र एजुकेशन सर। देखो दोस्तों, आज का इतिहास का पेपर बहुत ही सरल पेपर था, बहुत ही सटीक पेपर था और बिल्कुल सा आसान सा पेपर था। मेरे हिसाब से आप सभी ने अच्छा किया होगा। देखो दोस्तों, क्या है कि अब देखो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है दोस्तों, ठीक है, अब टाइम बहुत कम मिलता है, बीच में दो दिन का गैप भी था तो आपको मालूम होगा। तो मैं क्या है कि दूसरे कार्य में व्यस्त था, वो दूसरा कार्य कर रहा था और मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं कल क्या है कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि मैंने 11 बजे अपलोड किया था वीडियो को, तो कल मैंने 12:30 बजे तक पढ़ रहा था और वापस दोस्तों 3 बजे वापस उठ गया। कुल मिलाकर 1.5 या 2 घंटे मैंने नींद निकाली, लेकिन परीक्षा देते समय यानी कि दोस्तों आंखों में से आंसू आने लग गए। आज बहुत दिक्कत हुई, लेकिन पेपर बिल्कुल सरल था दोस्तों, मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। अब आपने कैसे किया सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अभी हम यानी इस पेपर को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इससे पहले दोस्त नहीं है तो जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले सभी दोस्तों को कि हमारे कौन कौन से प्रश्न जो है वो राइट हुए हैं, ठीक है। अब इसमें तो एबीसीडी भी बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है, इस पेपर के अंदर तो एबीसीडी भी मैं आपको बताऊंगा। और बड़े बड़े क्वेश्चन तो देखो दोस्तों क्या है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन सभी बता दूंगा और बड़े बड़े क्वेश्चन में यानी कल या परसों इसके सभी आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो यानी दोस्तों टाइम मिलेगा तो मैं दे दूंगा और बाकी दो को मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा कि ये ऑप्शन दुआ है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ज्यादा देरी किस बात की, चलते हैं मोबाइल की। तो दोस्तों आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अभी हम देखेंगे इस पूरे पेपर को दोस्तों कि पेपर कैसा था और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखो दोस्तों, मैंने जो करवाया है उसमें से बहुत से क्वेश्चन मिले दोस्तों, बहुत से, ठीक है। मैंने जो टेस्ट सीरीज करवाया, टेस्ट सीरीज के में बहुत से मिले थे और मैं जो अपने टेस्ट सीरीज अपने कल भी करवा रहा था मॉडल पेपर, तो उसमें से भी बहुत सारा है। एक क्वेश्चन आप देख लेना। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अशोक नहीं था, क्योंकि देखो मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इस प्रकार बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में अशोक आता है। तो ये आपको कुछ मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछ रहा है, इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों दसपुर नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, इसको दसपुर नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे की तरफ कि प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रमुख प्रसिद्ध शासिका थी। देखो दोस्तों, वैसे तो ये प्रश्न दोस्तों कंफ्यूज करने वाला है कि दोस्तों प्रभावती जो गुप्त है वो किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। अब यहाँ पर शक वंश दे दिया, मौर्य वंश दे दिया, सातवन वंश दे दिया, भाकटक दे दिया, तो इसका मतलब कौन सा हो सकता है दोस्तों, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। देखो गुप्त वंश की तो ये शासिका थी भाई, गुप्त वंश की शासिका थी प्रभावती, तो यहाँ पर प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर दे राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये वाकटक राजा रुद्रसेन की पुत्री थी, ठीक है, वाकटक राजा रुद्रसेन की ये पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्त जो किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी, तो आपको ध्यान होगा ऑप्शन नंबर दे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर द। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताबुल्लीन जो है पुस्तक लेखक कौन थे। दोस्तों मैंने कितने बार करवाया, मैंने करवाया था कि किताबुल्लीन की रचना अल-बिरूनी है और ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी और ये किताब 80 अध्यायों में विभक्त थी, ठीक है। इस प्रकार से इस विस्तृत ग्रंथ में धर्म दर्शन तुम्हार खगोल विज्ञान रीति रिवाज के बारे में जानकारी थी, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। आगे बात करते हैं कि मगध की राजधानी थी। दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर या गिरिवर्ज, ठीक है। इसके बाद मगध की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र आगे वर्तमान में राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप, मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए। दोस्तों मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप जो है वो बनावली से प्राप्त हुए। ये मैंने बड़े नंबर के अंदर करवाया था कि कृषि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी लिखी है, तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया था दोस्तों, ठीक है। आपको मालूम होगा कि जब 11 बजे क्लास आई तो उसके अंदर मैंने लिया था ये क्वेश्चन कि बनावली हरियाणा से क्या हुआ, मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु दोस्तों हड़प्पाई मुहूर्त, तो हमारा आंसर नंबर इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो से राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे, मुगल सम्राट कौन थे। तो लक्ष्मीबाई नहीं थी, बाजीराव भी नहीं था, नाना साहब नहीं था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ये हमारा ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त दोस्तों 1793 में लागू किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं कि अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था दोस्तों, अबुल फजल, क्योंकि बर्नियर और अल-बिरूनी हम तो जानते हैं इनके बारे में, लेकिन अबुल फजल देखो ये अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1565 के अंदर, ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कौन सी सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध हैं।
तो दोस्तों कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो गराब नाम से प्रसिद्ध है, यानी गरीब नवाज नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दोस्तों, कि सितंबर 1939 में कौन सा युद्ध हुआ था? देखो दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 18 तक हुआ था। इसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। तो हमारे इसमें देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। इसके बाद है कि दूसरा जो है सम्मेलन जो है, दूसरा सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। दूसरा कौन सा सम्मेलन दोस्तों? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम चलते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो इसमें किसकी पराजय हुई दोस्तों? तो प्लासी के युद्ध में ध्यान रखना कि यह सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच, तो इसमें किसमें हार हुई दोस्तों? सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और सिराजुद्दौला के बीच में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, ये आपको ध्यान करना, सिराजुद्दौला आ जाएगा ऑप्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास दोस्तों 1872 में किया था, लेकिन ये कुछ ही क्षेत्र तक सीमित था। इसके बाद में संपूर्ण जो जनगणना की बात करें तो 1881 में हुई थी। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है वो 1872 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1861 में गृह युद्ध, 1861 में खालिस्तान में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। तो 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था दोस्तों। 1857 में ब्रिटेन में किसी आपूर्ति संघ की स्थापना की थी दोस्तों? कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन मैंने एक ही अध्याय के अंदर करवाया था दोस्तों, एक ही यानी एक अपना अध्याय था उसके मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें मैंने लिया था ये छोटा क्वेश्चन कि 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम देखते हैं पर तीसरा क्वेश्चन दे रखा कि अतिल उत्तरात्मा प्रश्न दे रखा कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के किस वर्ष प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था दोस्तों? तो 8 अगस्त 1942 को, यानी एक तरीके से प्रस्ताव जो है वो यानी प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को केवल प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया लेकिन लागू 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। अगर आपने 8 अगस्त कर दिया वही सही है, ठीक है, वैसे प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया था लेकिन लागू 9 अगस्त 1942 को हो गया था। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया दोस्तों? क्योंकि देखो नमक जो है वो सभी को चाहिए था, ठीक है, इसलिए नमक को मुद्दा बना दिया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था? जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका निर्माण जो है वो क्यों करवाया गया था? आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जॉर्ज पेंचम, ठीक है, जॉर्ज पेंचम और महारानी, यानी जॉर्ज पेंचम के महारानी मेरी के प्रथम आगमन पर, ठीक है, जॉर्ज पेंचम की एक महारानी थी, ठीक है, यानी बेटी महारानी एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी के आगमन पर, यानी इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अंडाल कौन थी दोस्तों? तो अंडाल अलवार स्त्री थी, ठीक है, अलवार स्त्री थी अंडाल। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को की कुल कितनी बार यात्रा की थी? इसका आंसर सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे है कि इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो दिल्ली को। इसके बाद है शाहजहां के सबसे बुढ़े पुत्र का नाम क्या है? तो औरंगजेब, ठीक है, दारा सिकंदर सब थे लेकिन औरंगजेब सबसे बड़ा पुत्र था। इसके बाद पूछा गया कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? ये क्वेश्चन मैंने कितने बार बताया दोस्तों? मैंने बताया कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में मनुस्मृति का संकलन किया गया था। मनुस्मृति के पैर तक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया था? तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। बहिर्विवाह से आप क्या समझते हैं? देखो दोस्तों बहिर्विवाह में क्या होता है, मैंने समझाया था कि बहिर्विवाह, अंतर्विवाह और बहुपत्नी प्रथा ये आ सकते हैं। तो बहिर्विवाह अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह अपने गोत्र से बाहर करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाता है। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी दोस्तों? जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा दोस्तों 1924 में की थी, ठीक है, खोज की घोषणा कब की थी? 1924 में की थी सिंधु घाटी सभ्यता में नवीन सभ्यता की घोषणा जॉन मार्शल ने। इसके बाद पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग जो है वो क्यों किया गया? 1857 के विद्रोह हिंदू में एकता। देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सरल से हैं, ठीक है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो कर लिए होंगे। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, दो का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और 1857 के विद्रोह भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों था? क्योंकि यानी भारतीय सैनिक जो है वो क्यों नाराज थे अंग्रेजों के, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है।
तो अंग्रेज क्यों नाराज थे बताओ, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि भारतीय सैनिकों का प्रमोशन होता ही नहीं था, भारतीय सैनिकों का लंबा से लंबा पद जो है वो हवलदार तक सीमित था, ठीक है। और भारतीय सैनिक जो है वो कितने बड़ा क्यों ना हो अंग्रेजों से सैल्यूट करना पड़ता था, इसलिए यानी कि अंग्रेज अपने भारतीय सैनिक नाराज थे अंग्रेजों से। और भारतीय सैनिकों को विदेश भेज दिए जाते थे, उन्हें कुछ भी पैसे नहीं देते थे, तो भारतीय सैनिक नाराज थे, ठीक है। और डाक विधेयक इस प्रकार से इन्होंने पारित किया, तो ये रेतवाड़ी व्यवस्था स्मारक बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी, संताल विद्रोह के क्या कारण थे। देखो मैंने करवाया था संताल विद्रोह, ये आ गया है, और ये मैंने पहले करवाया था टेस्ट सीरीज वन के अंदर, अगर टेस्ट सीरीज वन टेस्ट सीरीज टू टेस्ट सीरीज थ्री इस प्रकार से मैंने करवाया था, अगर आपने देखा होगा। और विजयनगर शासकों के स्थापित कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा स्थापित प्रभावित थे, सूफी संतों के लोकप्रियता में क्या कारण थे, बिल्कुल सर से क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इब्न बतूता द्वारा भारत में डाक प्रणाली के दो प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया, तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने करवा दिया दोस्तों, इसके आपके नंबर पक्के होंगे 2 नंबर। यानी भारत में दो प्रकार के डाक व्यवस्था थी, एक तो पैदल डाक व्यवस्था, एक अश्व डाक व्यवस्था, इसका वर्णन करना था, ठीक है। इब्न बतूता क्यों चकित हो गया तो इस प्रकार से लिखना था। और इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा, 1333 में पहुंचा इस्तल मार से होकर, और दिल्ली उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद गजनवी था या तुगलक, मोहम्मद गजनवी था, ठीक है। गोत्र व्यवस्था के दो नियम बताओ, देखो ये प्रश्न मैंने करवाया था, मैंने कहा था ना दोस्तों कि आ जाएगा ये पक्का, देखो गोत्र नियम के आ गए कि गोत्र के दो नियम बताओ। देखो दोस्तों गोत्र के दो नियम क्या है, गोत्र के दो नियम है दोस्तों कि एक गोत्र के सदस्य यानी किसी भी स्त्री का अगर कोई विवाह कर दिया जाता है, ठीक है, स्त्री का विवाह कर दिया जाता है, तो वो स्त्री जो है अपने पिता के गोत्र को छोड़कर किसका गोत्र धारण करती है, पति का, ठीक है, ये पहला नियम हो सकता है या कर दिया होगा आपने। और स्त्री के गोत्र का दूसरा नियम आप लिख सकते हैं कि एक ही गोत्र के सदस्य एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है। 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए, ये मैंने करवाया था दोस्तों, मैंने करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। मैंने सभी वीडियो देखी होगी दोस्तों, तो उन्होंने कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मैंने डाल रखे हैं। तो 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए, इसलिए कम हो गए क्या पता दोस्तों, आर्थिक संकट आ गया हो, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद क्या पता आर्थिक संकट आ गया हो, ठीक है, इसलिए 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे, इस तरीके से आपको लिखना था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कोई दो विशेषताएं बताइए, तो आपको लिखना था कि बाटों की दो विशेषताएं, बाट जो है वो चट नमक पत्थर से बनाए जाते, ये भी विशेषता हो गई। दूसरी ये किसी भी स्थान से रेत घनाकार होते थे, इनका देवदारी इनका निचले मानन देवदारी 1, 2, 4, 16, 8 इस प्रकार से 32 इस प्रकार से था, ठीक है, तो वर्णन कर दिया होगा। अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किन तीन का उल्लेख कीजिए, ये भी करवाया था, आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है दोस्तों। 16 महाजनपदों में मगध उत्थान के कोई तीन कारण लिखे कि 16 महाजनपदों में मगध ही शक्तिशाली क्यों है, सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य कौन सी विशेषता है वो लिखनी है, और आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में निवासियों में सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। देखो आपने ये कर लिया होगा, महानवी साम्राज्य डिब्बा में धार्मिक महत्व क्या है, इसके बाद अथवा में भी दे रखा, ये कर लिए होंगे दोस्तों आपने, ठीक है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, और इन क्वेश्चन के आंसर तो आप स्वयं ने कर लिए होंगे या किताब में से ढूंढ लेना, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं इसके करवा दूंगा आंसर, ठीक है। अथवा या इसमें अथवा मैं आपको देना कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का बासु नामक ब्राह्मण ने 1106 से 1168 में, ठीक है, वीरशैव परंपरा का यानी नेतृत्व संकलन किया, यानी कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का वर्णन कीजिए, तो बासु नामक ब्राह्मण ने 1106 से 1168 में वीरशैव परंपरा यानी प्रारंभ की थी। और सूफी संत के विकास में खानका और सिलसिला के बारे में, खानका और सिलसिला के बारे में आप क्या लिखते हैं वो लिखना था। खानका क्या है, सूफी संत धर्म प्रचारकों के रहने का स्थान जो है वो खानका है, और खानका का नियंत्रण शेख पीर मुर्शिद के हाथों में होता था, इस प्रकार से आपको लिखना था। इसके बाद जैन नेता के रूप में महात्मा गांधी, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी जी उद्यान का मूल्यांकन कीजिए, यानी महात्मा गांधी जी जन नेता के थे कैसे, यानी कैसे थे, यानी लोगों के बीच किस प्रकार, तो आपको बताना था कि लोगों और महात्मा गांधी के बीच भी क्या संबंध था वो आपको करना था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, बिल्कुल सरल सा पेपर था, बहुत इससे सरल तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं आया होगा। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को वर्णन करने दोस्तों, देखो मैंने मानचित्र करवाया था आपको मालूम होगा, सूरत मैंने बताया था, मेरठ मैंने बताया था, ठीक है, और अजमेर तो वैसे आप जानते हैं कि ये राजस्थान में ही है, ठीक है, तो भर दिया होगा, और कटक नहीं बताया दोस्तों, ये एक बार आ गए, बाकी ये तीनों आ गए मेरे जो बताए हुए अनुसार, ठीक है, तो कर लिया होगा वैसे आपने। और देखो ये था, कर लिए होंगे, ये प्रमुख है, और अथवा में भी देख सकते हो, जबलपुर है, झांसी है, अलीगढ़ है, अम्बाला है, ये भी कर लिया होगा आपने, या इन दोनों में से कोई करना था, एक करना था, ठीक है, अथवा बड़ा कोई भी कर लिया होगा आपने। तो ये वीडियो था, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।